हाँ तो भाई, आज की जो चल रही है वीडियो अभी शुरू हुई। देखो ये शीशा लगाया हुआ है ना, शीशा लगाया गाड़ियों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये है तरीका का। ये है 11 ब्लॉक 12, 11 12 13 14। इस लाइन से ये जो है 13 11, उससे आगे वाला 12, उससे आगे वाला 13। तो ये है 11 H का गैराज, फिर है 11 G, 11 F, 11 E, 11 D, 11 C, 11 B, 11 A। तो ये है सारे गैराज। तो हर फ्लैट को एक गैराज मिला हुआ है। तो ये है ब्लॉक नंबर 5 6 7 8 9 10। इधर से अंदर जाएंगे तो 10 ब्लॉक वहाँ का आ जाओ। वो तो ये है ब्लॉक 1 2 3 4, 51 52 53। ये लगी है लिफ्ट। लिफ्ट का मैंने आपको बता ही दिया कि ये है 25 लाख की आज की तारीख में। जब ये लगने शुरू हुई थी तो उस वक्त थी ये 5 लाख की। अभी प्राइस बढ़ के इसकी 25 लाख हो गई है। ये जो ऊपर वाला फ्लैट है ना, ये है नई कंस्ट्रक्शन। ये बना था 90 में, 30 साल पहले, 16 लाख का। कितने का बना था? 16 लाख का ठेकेदार ने बनाया था। 16 लाख का तो 16 का नहीं बनता, 12 13 लाख का बना हुआ। 2 3 लाख रुपए ठेकेदार ने भी बनाए होंगे इस फ्लैट पे। तो आज की तारीख में आप ये फ्लैट बनाना बैठो ना, तो मजदूरी और लेबर की जो कॉस्ट है ना, वो है 2 करोड़। तो इतनी महंगाई बढ़ी है कि 16 लाख का फ्लैट हो गया है 2 करोड़ का। ये है मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट। लेकिन आप इलाके की प्राइस भी तो पे करेंगे जिस इलाके में ये होगा। तो अगर ये आर्मी हाउसिंग में है ये फ्लैट, तो ये बनेगा 5 करोड़ का, 7 करोड़ का। तो इस तरीके से ही प्राइसें चलती हैं। तो अस्करी 2 के बराबर बन रहे हैं अस्करी टावर्स, 20 मंजिल बिल्डिंग।
तो वहाँ पे फ्लैट है 7 करोड़ का और 5 करोड़ का, तो देख लें आप। यह है 49, 48, 47, 50 ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक इधर बने, ये भी नए बने। तो जब ये फ्लैट बने थे और यहाँ पे मिले थे लोगों को, तो ये बने थे 5 लाख रुपए के ऊपर के और 10 लाख रुपए के नीचे के। तो बाद लोगों को ऊपर का भी 10 लाख का मिला और बाद लोगों ने नीचे का 15-20 लाख का भी चार्ज हुए उनको, उन्होंने पेमेंट करी है किस्तों में, फिर बाद में इनको मिले। तो आज ये जो है नीचे का फ्लैट 7 करोड़ का और ऊपर का 5 करोड़ का। तो हम देख लें आप, 5 लाख की लिफ्ट जो थी वो कितने की हो गई, 25 लाख की, और 5 करोड़ का, 5 लाख का फ्लैट कितने का हो गया, 5 करोड़ का। और जब ये शुरू हुआ था तो यहाँ पे किराया था 10,000 सबसे ऊपर के वाले फ्लैट का, और सबसे नीचे वाले का था 20,000। आज की तारीख में एसकरी जिरी का जो फ्लैट है, अगर ऊपर का चाहिए सबसे ऊपर वाली मंजिली का, तो किराया जो है इसका 1 लाख रुपए, और अगर नीचे वाली मंजिली का चाहिए तो किराया 1.5 लाख रुपए। और ऊपर का फ्लैट अगर आपको खरीदना है तो है 5 करोड़ 50 लाख का, और अगर नीचे का ख़रीदना है तो है 6 करोड़ 7 करोड़ का। तो यह प्राइस, किराए पे चाहिए तो 1 लाख किराया ऊपर वाले का और नीचे वाले का 1.5 लाख, तो ये किराए का रेट है। और लिफ्ट लगानी है तो उसी को में लगी है 5 लाख की, अब ये लग रही है 25 लाख की, और बाद में हो जाएगी 30 लाख की। तो अगर लगानी है तो लगना मिलकर लगा लें। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कॉन्टेक्ट करें, तो कांटेक्ट करेंगे तो फिर बाकी की हेल्प आपकी होती है। बाकी तो ये है कि भाई काम ख़राब हो गया है, तो आप देख लें कि रियल इस्टेट में जो है पैसा कितना बढ़ता है। 5 लाख का फ्लैट 5 करोड़ का, 15 लाख का फ्लैट 7 करोड़ का, किराया 10,000 किराया था, अभी किराया हो गया 1 लाख ऊपर का, और 20,000 किराया था नीचे का, भी किराया हो गया 1.5 लाख। तो 10,000 का किराया जो है वो पहुंच गया है 1 लाख और 1.5 लाख। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए का फ्लैट लिया था तो किराया कितना हो गया, किराया हो गया है 5 लाख का फ्लैट, 10 लाख का फ्लैट कितने का हो गया, 1 करोड़ का। तो ये घूम रही है पुलिस, आप पुलिस का भी बता दें आपको, पुलिस वाले कैसे पैसा बनाते हैं। अभी ये फ्री की कुल्फी खाने की टाइम आ रहा है, अभी इनको फ्री की कुल्फी मिलेगी, पैसे थोड़ी ये अपने बाप को पैसे नहीं देते, तो ये देंगे कुल्फी वाले को पैसे, भूल जाओ। तो ये इनका मसला है भाई, ये कि अब पुलिस के काम कमाने का तरीका क्या है कि ये चोर पकड़ते हैं, उससे पैसे लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अभी हमारे एक रिलेटिव थे तो उनके बच्चे ने मोबाइल चोरी किया था, तो 50,000 की रिश्वत दे के छुड़ा के लाए। आपने जाके इनको बताया
अब ये केसेस आ रहे हैं ना, ये किसी ने आपने किसी को जाके बताया कि भाई ये फला बंदा मेरे 2 करोड़ खा गया, तो पुलिस को बताया जाके आपने पुलिस को अंदर के ये बंदा मेरे 2 करोड़ खा गया, पुलिस वाले जाएंगे वहाँ पे छापा मारेंगे और रिकवर करेंगे और खा जाएंगे, और जिससे रिकवरी होगी उसको बोल देंगे भाई तुम तो चोर हो, तुम लोगों 2 करोड़ खा के भागे हुए हो, तो ऐसा है कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब चोर जो चोरी करके बैठा वो क्या बताएगा किसी को, तो ये मसला शायद चोर। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी काम वाली का केस था कत्ल का, उसके बेटे को गांव में था, बेटे को पकड़ के पुलिस ने बंद किया। अब अम्मा जो थी वो गई थाने में कि बच्चे को छोड़ दो, तो उन्होंने कहा भाई पैसे ले आओ। अब पैसे जब लेके गई हैं तो बच्चा नहीं छूटा, अम्मा ने भैंसे बेची, बकरियां बेची, पैसे दिए, बच्चा नहीं छूटा। अम्मा ने ज़मीनें बेची, पैसे दिए पुलिस को, बच्चा नहीं छूटा। अम्मा ने घर बेचा, पैसे दिए पुलिस को, बच्चा नहीं छूटा। तो जब अम्मा के पास पैसे ख़त्म हो गए तो उन्होंने पुलिस को कहा कि अब तो घर कोई आसरा नहीं है। पुलिस को पता चला कि अब तो कोई आसरा नहीं है, मजीद पैसे मिलने का। तो फिर उन्होंने बताया अम्मा को कि ये बच्चा जो है ना आपका, हम नहीं छोड़ सकते, ये कोर्ट से जाके छूटेगा। तो कत्ल के केस में पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं कि बंदे को छोड़ दें, तो ये है इनका मसला। तो इन्होंने अब देखिए स्मार्ट है पुलिस, बहुत स्मार्ट है। इन्होंने ये बताया नहीं अम्मा को कि भाई हम कत्ल के केस में, इनको पता है कि ये छोड़ नहीं सकते ना। अब इन्होंने बताया नहीं अम्मा को, काम वाली को नहीं बताया कि भाई बच्चा जो है ना आपका नहीं छोड़ सकता, हमारे पास इख्तियार नहीं है इसको छोड़ने का, तो ये कोर्ट में जाएगा केस, तो वहाँ से छूटेगा। तो क्योंकि इनको तो पैसे चाहिए थे, अगर ये बता देते कि ये बच्चा ऐसे छूटेगा तो फिर अम्मा पुलिस को रिश्वत कैसे मिलती। तो इन्होंने खूब माल बनाया। उसके बाद ये पुलिस ने बोला कि भाई आप जो है ना कोर्ट में ले जाएं इसको, कोर्ट से छूटेगा ये। वहाँ पे कोर्ट में लायर मिल गए, उन्होंने कहा अम्मा 25 लाख ले आओ, तुम्हारे बच्चे को हम छुड़ा लेते। फिर जो 25 लाख लेके पहुँची अम्मा उधार उधार लेके, तो वकीलों ने खूब केस लड़ा, खूब जान लगाई, खूब साबित करनी हो जिसकी कि ये काम जो है अम्मा के बच्चे ने नहीं किया है। बहरहाल ये साबित हो गया कि इसी ने किया है। तो फिर अम्मा ने कोर्ट में 25 लाख लहर खा गए, और कोर्ट ने कहा भाई आप 5 लाख रुपये जुर्माना करो कर दिया और 7 लाख की जेल, 7 साल की जेल, 5 लाख जुर्माना और 7 साल की जेल। तो अम्मा ने इधर उधर से उधार करके 5 लाख कोर्ट में जमा कराया, बच्चा गया 7 साल के लिए अंदर। तो अम्मा जो थी इस दुख में कि बच्चा 7 साल के लिए अंदर गया, इस दुख में इस दुनिया से चले गए। तो ये है पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के लॉयर, पाकिस्तान की कोर्ट, और सब भेंट चोर हैं यार, सब भेंट चोर। माँ को कसो तो अल्लाह जो है ना हम सबको बचाए, पाकिस्तान की पुलिस से, पाकिस्तान की रेंजर से, पाकिस्तान की आर्मी से। तो ये इनके कारण वाला, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह अल्लाह करो और नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, ताकि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। वरना ये जा रहे हैं तुम्हारे बापू, ये तुम्हारी ऐसी मारेंगे, इतनी हरामी पुलिस है पाकिस्तान की, ये तुम्हारी ऐसी तेल लगा के मारेंगे ना कि तुम याद ही करोगे। तो कोशिश करो कि सीधे चलो, तो अल्लाह अल्लाह करोगे तो जब ही सीधे चलोगे, वरना तो माँ चली पड़ी हो पर गांठ फटी पड़ी है।
ये NIC बिल्डिंग का पोस्ट ऑफिस है, तो ये बंद हो गया है और ये पोस्ट ऑफिस सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब से ये ईमेल आई है ना, तो सब लेटर जो है ना अपना ईमेल से भेज देते थे, तो अमेरिका के अंदर आधे पोस्ट ऑफिस बंद हुए, 10 लाख थे 5 लाख बंद हो गए। अब व्हाट्सएप आ गया है, अब बाकी ये 5 लाख भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग जो है ना अपनी डॉक्यूमेंट्स और ईमेल जो है ना वो भेजते हैं ईमेल से और व्हाट्सएप से, सिर्फ बची ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको भेजनी होती है ना उसके लिए आपको चाहिए होता है कोरियर सर्विस या मेल सर्विस। तो पाकिस्तान पोस्ट जो है सिर्फ मेल जो भेजता है वो सिर्फ उन लोगों को भेजते हैं मेल, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप जो है व्हाट्सएप नहीं कर सकते, ईमेल नहीं कर सकते, वहाँ से सामने वाला कहता ओरिजिनल भेजो, ओरिजिनल भेजोगे तो एक्सेप्ट होगी। तो ये उसका तरीका है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए व्हाट्सएप नहीं होता ना ईमेल होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको हमेशा कोरियर सर्विस से भेजने या पाकिस्तान पोस्ट से भेजने। तो ये इसका तरीका। तो जब बना हुआ है ना ये सी बिल्डिंग, तो ये NICVD की दुकान है, कब्जे की दुकान है, लोगों ने कब्जा किया हुआ है यहाँ पे। अभी इनसे पूछो कि भाई ये वही बिल्डिंग, ये है कब्जे की दुकान, कब्जा करके बैठो बेटा, तुम दुकान का कब्जा। हेलो,
बेटा तू जाना मत, भागना मत, छो अच्छा ये दो जगह से अलग हो सको ला भाई तो ये बिस्मिल्लाह होटल बना हुआ है। अब इनसे पूछो कब्जे की जगह बैठे हुए, कह रहे हमने कब्जा नहीं किया, कब्जा किसी और ने किया, हम उसको किराया दे रहे हैं। तो बहुत सारी दुकानें हैं जो इसके मालिक जो हैं यहाँ पे नहीं है, वो कब्जा करके दुकान बना के और किराए पे लेके चले गए, आते हैं किराए लेके चले जाते। तो ये है इसका मसला। तो अभी बुलडोज़र आ रहा है, इन पर बुलडोज़र फिरेगा, फिर इनको पता चलेगा कि क्या कब क्या मसले मसाए हैं। तो ये है सोच यार, आ जाओ बेटा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब इसको पकड़ा ही नहीं है, ओह बढ़िया। अच्छा चाबी किसके पास थी? ये पुलिस वाला क्या कर रहा था? ये तो वही देख रहे थे अंदर। ये कैसे आया? ये बहुत आए ऐसे। हाँ लेकिन ये सुबह चाबी तो नहीं है ना? नहीं नहीं इनके पास नहीं चाबी, मेरे पास था।
एक चिकन बिरयानी। कितनी है? 200 की होगी। चलो 200 की कर दो। 170 की, 200 की, ये 150 कर दो। मसाले वाली देना। चाबी इसके बाद बनारस रेमान अस्पताल के पास पकड़ लिया ही ना इसको। कब तक जो है मैं Thank you.
तो ये पोस्ट ऑफिस जो है ना 3 बजे खुलेगा, ये बच्चा पार्टी खड़ी है। तो अब ये जो है पाकिस्तान का पोस्ट ऑफिस है ना, तो ये एक्चुअली तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन ये कि इसमें जो है ना सुबह से शाम तक जो है ना 4-5 बंदे आते हैं लेटर मेल करने, और कुछ लोग आते हैं लाइट का बिल जमा कराने, कुछ लोग आते हैं PTCL का बिल जमा कराने। तो इस तरीके से ये इवेंचुअली ये बंद हो जाएगा, जब यहाँ कोई नहीं आएगा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको बंद कर देंगे। तो ये अमरीका में भी ऐसे हुआ कि पोस्ट ऑफिस जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, उसको कहती है यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस। तो वो गवर्नमेंट चलाती है पूरे अमरीका में, तो ये पोस्ट ऑफिस वहाँ पर बंद हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा आता ही नहीं लेटर मेल करने, तो सारा दिन खुला रहता है। ये जो लोग काम करते हैं इनको फ्री की तनख्वाह मिलती रहती है, तो ये खाते रहते हैं। तो जब वो पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा तो इनकी जॉब चली जाएगी, फिर ये कहीं और जाके जॉब करेंगे। तो ये है इसका मसला। तो ये रहा ना, कल ये आएगा यहाँ पे फ्री की बिरयानी वाला मामला, तो कल आपको फ्री की बिरयानी देखने को मिलेगी। तो ये इसका तरीका था। तो आई होप कि आज की चुकी जो इन्फॉर्मेशन मिली आपको समझ में आई होगी कि कब्जा ग्रुप जो है कब्ज़ा करते हैं गवर्नमेंट की ज़मीन पे, दुकानें बनाते हैं और किराए पे देके चले जाते हैं। और ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पे ये कहते हैं भाई हम तो किराया दे रहे हैं, तो किराया किसको दे रहा हो? तो ज़मीन से पूछो किराया किसको दे रहे हो, कह रहे एक बंदा था वो यहाँ दुकानें बना के गया था, तो उसको हम किराया दे रहे हैं। तो उसकी तो जगह थी ही नहीं, मैंने तो कब्ज़ा करा था, दुकान बनाई थी, तो अब इन पर बुरा वक्त आया। तो अब ये जो है इसको इस पर बुलडोज़र फिरेगा और यहाँ पे दुकानें बनेंगी, तो गवर्नमेंट फिर इनको दुकानों को या तो किराए पर देगी या फिर बेचेगी। फिर जिसकी होंगी ये दुकानें वो आगे इनको बेचेगा या किराए पर देगा, तो ये गवर्नमेंट का खांचा है। तो इसलिए ये कहते हैं भाई गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्ज़ा करो या किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करो तो कभी ना कभी बुलडोज़र आएगा और बिल्डोज़र फेर के जाएगा। तो मज़े कर लिए इन्होंने 30 साल से बैठे, 30 साल मज़े कर लिए हैं, अब इनकी बारी है। अब ये 30 साल के बाद इनकी शामत आएगी। तो ये है इसका तरीके का। तो ये है अस्करी चली। वापस आ गए अंदर। तो ये है सूरत हाल। तो अगर किसी को कोई फ्लैट ख़रीदना है, बेचना है, लिफ्ट लगवानी है, कोई फ्लैट चाहिए किराए में, किराए पे अस्करी थ्री में कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करते हैं। तो ये है इसका तरीके का। तो आपको कोई फ्लैट ख़रीदना है या बेचना है या लिफ्ट लगानी है या फ्लैट के अंदर कोई भी काम कराना है, तो उस सिलसिले में आप मुझसे रब्ता कायम करें। तो अभी जो प्रिवेलिंग रेट है
सबसे जो ऊपर वाला फ्लैट है ना, लिफ्ट के साथ मिल जाएगा तो आपको फ़ायदा है, क्या आपको उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा जीने से। 1,00,000 रुपये इसका किराया, और अगर ये नीचे वाला लेंगे तो इसका किराया 1.5 लाख है। ऊपर वाला फ्लैट बाय करेंगे तो वो मिलेगा 5 करोड़ 5.5 करोड़ का, और नीचे वाला लेंगे तो मिलेगा 6.5 करोड़ 7 करोड़ का। 6 करोड़ का भी कुछ लोग भेज देते हैं, तो ये है इसका तरीका। तो दोनों तरीके हैं, किराए पे चाहिए या ख़रीदना है, या बेचना है या किराए पे लेना है। लिफ्ट का मैंने बता दिया है, 25 लाख की लिफ्ट है। तो अगर आपको लिफ्ट लगानी है, अगर आपके पास 25 लाख हैं तो आपको ये लिफ्ट लगा के देते हैं, ये लिफ्ट। तो ये इसका तरीका, तो कोशिश करें कि बी रियलिस्टिक। तो ये इसका चाल है, तो इसीलिए कहते हैं रियल इस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो हाई रिटर्न होता है उसमें। अब 5 लाख का फ्लैट लिया, 30 साल इसमें रह भी लिए, और अब ये है फ्लैट 5 करोड़ का और इसका किराया 1 लाख। तो इस तरीके से चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है। और एक है साहब हमारे दोस्त, उनका फ्लैट है सबसे ऊपर का, तो जब उनको मिला था तो उन्होंने इसे किराए पर दिया, खुद अमेरिका में रहते हैं, तो 3 करोड़ उन्होंने किराया खा लिया 35 साल में 35 साल में, और अभी बेचा है 5 करोड़ का, और था कितने का? 5 लाख का। तो 5 लाख का फ्लैट ख़रीदा, 3 करोड़ किराया खाया, 5 करोड़ का बेचा, 5 लाख रुपए आपके कितने हो गए? 8 करोड़। तो इस तरीके से पैसे बढ़ते हैं। पहले ही बता चुका हूँ, केडीए की दुकान ऑक्शन से ख़रीदी 6,000 की 40 साल पहले, किराए पे दी, 40 साल में किराया खा गया 2 करोड़, और आखिर में बेच के चले गए 1 करोड़ की। तो इस तरह 3 करोड़ बन गए। तो ये है लोगों के पैसों बनाने का तरीका। अब आप सोचिए 6,000 की आप इन्वेस्टमेंट करें और आपके बन जाए, किराया आपको मिल जाए 2 करोड़, और 1 करोड़ की बेच दें तो 3 करोड़ हो गए ना 6,000। और ये सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ है, 5 लाख का फ्लैट ख़रीदा इन्होंने, 3 करोड़ किराया खाया, 5 करोड़ का बेचा, तो ये बन गए इनके 8 करोड़। 5 करोड़ जो हैं वो कितने हो गए? 8 करोड़। 5 लाख 5 करोड़ भी नहीं हुए, 8 करोड़ हो गए। अगर वो रहते तो उनको किराया नहीं देना पड़ता, तो फिर बेचते तो फिर 5 करोड़ मिलते, लेकिन क्योंकि रहे हैं। कुछ फ्लैट हैं 11 लाख के भी गए, ऊपर वाले 11 लाख के भी गवर्नमेंट ने लिए हैं फ्लैट 11 लाख, कुछ हैं 16 लाख में भी दिए। तो ये 3 फिगर हैं, 5 लाख 11 लाख और 16 लाख। 16 लाख के दिए थे इनको नीचे के, तो ऊपर के जो दिए थे वो कितने के थे? 5 लाख के। तो ये बढ़ते गए ना, तो पहले 5 लाख लिए फ्लैट बना के दिए इस ज़मीन पे, फिर इन्होंने 16 लाख लिए फ्लैट बना के दिए सेकंड फेज में, अब ये फिर फ्लैट बना रहे हैं, और अब ये फ्लैट बेच रहे हैं 5 करोड़ और 7 करोड़ का। तो इस तरीके से कीमतें बढ़ी। आया तुम्हारी माँ के खुश? ऐसे थोड़ी मिल जाएगा।
भीड़ मत करना इसको। और ये मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा, सब पता कर रहा हूँ। ओ मस्जिद से दूर ही रहो, मस्जिद में नहीं है। ओहो बहुत आराम है। तो ये 22-23-24 ब्लॉक, 19-20-21 ब्लॉक, ये 19 से शुरू होता है और ये 22-23-24 से शुरू होता है। तो ये है इसका तरीका। ये लिफ्ट लगी हुई है, अब जो पहले लगाता है उसके आगे लगती है और जो बाद में लगाता है उसके पीछे लगती है। तो ये तो अगर आप लगाएंगे 25 लाख की लगेगी, डज नॉट मैटर कि आप इसमें तीसरी मंजिल तक जा रहे हैं या चौथी मंजिल तक जा रहे हैं, दोनों की प्राइस सेम है। तो 25 लाख तैयार कर लें अगर आपको लिफ्ट लगानी है, देख लें ऐसे लगेगी। ये आगे की है और ये पीछे की है। ये सबसे ऊपर वाली मंजिल पर लगी है और ये उसके बाद उसकी नीचे वाली मंजिल पर लगी है। तो यह है इसका तरीका। तो 25 लाख की लिफ्ट है आपके पास है, 25 लाख ले आओ लगा लो। 25 लाख हैं आपके पास, आपको लिफ्ट चाहिए अस्करी झड़ी में, 25 लाख का बंदोबस्त कर लो और लिफ्ट लगा लो। चाहे वो किसी भी तरीके से लगाओ, जिसके पास जाओगे उसको 25 लाख चाहिए। अब मसला ये कि जो भी लिफ्ट लगाएगा उसको भी 2-3 लाख रुपए मंजिल से बचेंगे तो लगाएगा ना। वो तो कॉन्ट्रैक्टर होता रहता है कि भाई 25 लाख पूरे लग गए, हमें तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये भी इसका मसला है। यह है मेल बॉक्स। ओके, तो आज की वीडियो ख़त्म होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।